हेलो गाइस, मैं सुप्रीता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बनाएंगे कृष्ण जी की ड्राइंग। उसके लिए मैंने ये वाली पिक्चर सिलेक्ट की है और इसे इंस्टाग्राम से डाउनलोड किया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और पिक्चर जो भी हम सिलेक्ट करते हैं अपनी ड्राइंग के लिए, एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जूम करने पर उसके पिक्सल्स ना फटें। तो इसके लिए आपको क्लियर पिक्चर चाहिए होगी और HD चाहिए होगी। आप स्क्रीनशॉट्स को अवॉइड करिए, तो आप हो सके तो उसे डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ड्राइंग के लिए मैं A4 शीट का इस्तेमाल करूँगी और मैं सबसे पहले शीट का मिड पॉइंट फाइंड करूँगी और 13 पे रख के उस मिड पॉइंट को 0 और 26 पे मार्क लगा लूँगी। ऐसे ही मैं दूसरी साइड मिड पॉइंट फाइंड करूँगी और ऐसे ही 13 पे रख के उस मिड पॉइंट को 0 और 26 पे मार्क लगा लूँगी। और फिर मैं इन दोनों मार्क्स को आपस में ज्वाइन कर लूँगी। लाइंस लगाने के लिए मैं 2B पेंसिल का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि ये इजीली इरेज हो जाती है और पीछे इतने मार्क्स नहीं छोड़ती और वैसे भी ये थोड़ी सी डार्क होती है। तो अभी इस साइड का भी मिड पॉइंट फाइंड करूँगी और स्केल रख के उस मिड पॉइंट पर मैं 0, 6.5, 13 एंड 19.5 पे मार्क लगाऊँगी। ऐसे ही मैं नीचे की तरफ भी मार्क्स लगा लूँगी। 0, 6.5, 13, 19.5 पर मार्क लगाऊंगी और लाइंस लगा दूंगी। अभी इस साइड भी मैं 6.5, 13 और 19.5 पे मार्क लगाऊंगी और दूसरी साइड भी लगाऊंगी और इनको भी मैं 2B पेंसिल के साथ आपस में जोड़ दूंगी। ग्रिड बनके हमारा तैयार हो गया है। मैंने सेम टू सेम ग्रिड है जो पिक्चर के ऊपर भी बना लिया है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। तो सेम मैंने पेपर के जैसा ग्रिड ग्रिड मेकर ऐप की मदद से पिक्चर के ऊपर भी बना लिया है। अब मैं इसको जूम करूँगी। जो साइज़ है ग्रिड का फ़ोन में वो मेरे पेपर वाले साइज़ के साथ का हो जाए ऑलमोस्ट, और मैं इसे देख देख के आउटलाइंस बनाऊँगी एक एक ग्रिड में। ये थोड़ा सा ध्यान से करने वाला काम है क्योंकि ये हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है और हमें बहुत सारा पेशेंस रखना पड़ता है आउटलाइंस बनाते वक्त। तो अगर आपसे बड़े ग्रिड्स में नहीं बन पा रहा तो आप जिस साइड मैंने 3 ग्रिड्स बनाए हैं आप उस साइड 3 के मल्टीपल्स बना सकते हो, जैसे 6, 9, और आप कितने भी ग्रिड्स बना सकते हो। और जिस साइड मैंने 4 ग्रिड्स बनाए हैं उस साइड आप 4 के मल्टीपल्स बना सकते हो, जैसे 8, 12। अगर आप ग्रिड्स इंक्रीज़ करते हो तो एक्यूरेसी ज़्यादा आती है और जैसे जैसे आपकी स्किल्स शार्प हो जाती हैं तो आप ग्रिड्स का जो नंबर है वो डिक्रीज़ कर सकते हो, जैसे मैं अभी 3:4 में बना रही हूँ। और एक बात, जब हम आउटलाइंस बनाते हैं ज़रूरी नहीं कि हमें पहली बार में ही जो आउटलाइंस है वो परफेक्ट मिल जाए, हमें बहुत बार इरेज करना पड़ता है और घंटों लग जाते हैं परफेक्ट आउटलाइन ड्रॉ करने में। तो कोई बात नहीं, आप जल्दी जल्दी मत कीजिए, बड़े ही आराम से कीजिए और पेंसिल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत डालिए क्योंकि हमें बार बार इरेज करना पड़ सकता है और बाद में शेडिंग में फिर प्रॉब्लम आती है अगर हम डार्क पेंसिल यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैं 2B पेंसिल का इस्तेमाल करती हूँ। ये हल्के प्रेशर के साथ हमें डार्क दे देता है रिज़ल्ट, ये वाली पेंसिल, तो ये बेस्ट रहती है। ठीक है, तो हम सारी डिटेल से ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। और अगर थोड़ी बहुत आउटलाइंस इधर उधर हो भी जाती हैं तो भी कोई इतना चक्कर नहीं है क्योंकि शेडिंग के टाइम जब हम शेड कर रहे हैं तो हमें अपनी गलतियों का पता लगता है कि यहाँ पर आउटलाइन सही नहीं है तो इसको थोड़ा सा मुझे इधर करना चाहिए उधर करना चाहिए, तो वहाँ पे हम इसे सेट कर सकते हैं। तो आउटलाइंस एक बार हो जाने के बाद आप आउटलाइंस को एक सॉफ्ट इरेजर के साथ इरेज करिए और इरेजर के ऊपर आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। और जो आपने ग्रिड्स बनाए थे वो भी आपने ज़्यादा डार्क नहीं बनाने थे, बिल्कुल हल्के हल्के बनाने थे। तो 2B पेंसिल इसके लिए परफेक्ट रहती है आउटलाइंस और ग्रिड्स ड्रॉ करने के लिए।
तो अभी हम इसे इरेज कर देंगे और ब्रश के साथ इसे साफ़ कर देंगे। तो हमारी आउटलाइंस बन के अभी रेडी हो गई हैं कृष्ण जी की। नेक्स्ट वीडियो में हम आइज़ के ऊपर काम करेंगे और शेडिंग वगैरह का मैं आपको सारी वीडियो बनाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।